हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज हम बात करेंगे ऐसे फेस वॉश के ऊपर जो आपके साथ फेस वॉश के साथ साथ आपके चेहरे की स्क्रबिंग भी करेगा, मतलब वो स्क्रबर कम फेस वॉश है। अभी तक आप लोगों ने फेस वॉश के बारे में सुना होगा और फेस क्लींजर के बारे में सुना होगा और स्क्रबर के बारे में सुना होगा, बट आपने अभी तक फेस वॉश विद स्क्रबर के बारे में नहीं सुना होगा, वो भी जो जिसके अंदर विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड एएचए व्हिच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भरपूर मात्रा में दिया गया है। तो ये करेगा क्या और स्क्रबर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? फेस वॉश तो आप जानते हैं कि हमारे फेस में जो गंदगी होती है उसको रिमूव करने के लिए हम फेस वॉश यूज़ करते हैं जनरली। तो गाइस, इन तीनों का जो चारों का मिक्सचर है वो कैसे हेल्प करेगा मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट बेल आइकन भी दबा दीजिए। जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास फट से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो गाइस, मैं आज बात करूंगा ये स्क्रबस्टर फेस वॉश के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड फेस वॉश विथ विटामिन सी, विटामिन ई एंड वेंडेलिक एसिड इसके अंदर है, विच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड करता क्या है? वो डेड लेयर को रिमूव करता है। आपने बहुत सारे पीलिंग के बारे में सुना होगा, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे स्किन के, वहाँ पे आपको ग्लाइकोलिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, बहुत सारे पील यूज़ करते हैं। तो करता क्या है? डेड लेयर को रिमूव करता है। अभी हमें स्क्रबर क्यों यूज़ करना चाहिए और फेस वॉश क्यों यूज़ करना चाहिए? तो ऐसा आपको पता है कि जब हम बाहर धूप में जाते हैं हमारे पोर्स में डस्ट फंस जाती है, हमारे इतना पॉल्यूशन बाहर होता है कि जब हम जाते हैं तो पूरे चेहरे में गंदगी जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है, इसमें बैक्टीरिया भी पनपते हैं। तो हमें अपने फेस की क्लीनिंग और जो उसकी सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो करना, जब हम फेस की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं तो हमारे फेस से जो भी गंदा ऑयल होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है और जो सीबम है और जो डस्ट है वो सब निकल के साफ हो जाती है। तो हमारे चेहरे में एक चमक आ जाती है, मतलब क्लीन हो जाता है। अब बात करें हम चमक की, तो हमें एग्जैक्टली चमक कब मिलेगी बहुत अच्छी? तो हमारी स्किन की साइकिल होती है 25 से 30 दिन में हमारी स्किन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जो पूरी एक जो नीचे से लेयर से ऊपर लेयर तक आके वो रिमूव हो जाती है। कभी कभी जैसे एजिंग होती है या कई कई बार होता है कि डेड लेयर पूरी नहीं निकल पाती, तो हमारे फेस में चितकबरापन आ जाता है। लाइक आपने बहुत से लोगों का फेस देखा होगा, शाइनिंग मार रखा है, डल फेस है। तो जो डेड लेयर जब हमारे चेहरे में बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेड लेयर जम जाती है, तो हमारा चेहरा डल दिखने लगता है। तो अब इसको रिमूव करेंगे कैसे? तो या तो आप फिर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कराइए, मेरे पास आइए, खूब सारे पैसे खर्च करो मेरे पास आके, तो मैं आपके चेहरे की सारी डेड लेयर निकाल दूंगा आपको और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और शाइनिंग लुक दूंगा आपको, बहुत अच्छा सा एकदम वाइटनिंग इफेक्ट आ जाएगा। बट अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते, अगर आप दूर हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश बता रहा हूँ जो आपके डेड लेयर को भी रिमूव करेगा, साथ में फेस वॉश का काम भी करेगा, साथ में स्क्रबिंग का काम भी करेगा। और उसको करना भी कुछ नहीं, हफ्ते में से दो बार ही यूज़ करना है यार। स्क्रबर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, आप बहुत ज़्यादा रब करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको हफ्ते में सिर्फ दो बार इसको यूज़ करना है, विच इज़ वेरी इजी। आप जब भी ब्रश करते हैं या जब नहाने जाते हैं तो इसको ले लीजिए, फेस को गीला करो और इस फेस वॉश को लेके, और इसमें जो जो बीड्स हैं, इसमें मेंटलिक एसिड है, विटामिन सी है जो स्किन लाइटिंग एजेंट है, और इसको लगा के अच्छे से इसको सर्कुलर डायरेक्शन में रब करना है। जब आप इसको रब करेंगे तो फ्रिक्शनल मूवमेंट होगा और फ्रिक्शनल के कारण आपकी जो डेड लेयर है, जो एक्स्ट्रा डेड लेयर जमा है, वो फ्रिक्शन जो जो बीड्स के फ्रिक्शन के कारण वो रिमूव हो जाएगी। आपको नोज एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, आपको फोरहेड को क्लीन करना है। जब आप अच्छे से प्रॉपर क्लीन करेंगे तो वहाँ से पोर्स भी आपके क्लीन होंगे, जो क्लॉग है वो भी रिमूव हो जाएगा, वहाँ पर जो गंदगी जमी है वो भी रिमूव हो जाएगी। विटामिन सी जब आपके फेस में जाएगा तो वहाँ पे जब एब्जॉर्ब होगा तो वो स्किन लाइटिंग एजेंट देगा, एज अ स्किन लाइटिंग एजेंट वर्क करेगा और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा। और साथ में जब आप इसको मसाज करेंगे, स्क्रबिंग सर्कुलर डायरेक्शन करेंगे, तो खून का फ्लो भी बढ़ेगा, जो आपको अगेन लिम्फेटिक ड्रेनेज, आपके जो भी टॉक्सिन स्किन के अंदर है वो भी रिमूव होंगे थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो आपको अपवर डायरेक्शन में इसको मसाज करके लेके जाना है। इसमें जो 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 भाई बीड्स हैं, आप वैसे तो आप मार्केट से अलग से स्क्रबर खरीद के इस स्क्रबर करते हैं, 15-20 मिनट का स्क्रबिंग कर रहे हैं, वो बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो इसको आपको हफ्ते में सिर्फ दो बार यूज़ करना और सारी डेड लेयर ये रिमूव करता रहेगा। तो एक इसको आप अपने डेली के रिजिम में, इसको डेली रूटीन में डालिए कि बस देखो, जो नॉर्मल आप डेली फेस वॉश यूज़ करते हैं यूज़ कर सकते हैं, बट हफ्ते में दो बार तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो, तभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। बट यस, आपकी स्किन से ज़्यादा बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है। तो गाइस, ऐसा फेस वॉश जो आपके साथ में स्क्रबिंग का काम भी करे, आपको पीलिंग का काम भी करे और आपके एंटी एजिंग का काम भी करे, तो इससे अच्छा बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप इसको यूज़ अगर नहीं करेंगे तो ज़रूर बुरा होगा आपके स्किन साथ। बट यस, इसको प्लीज़ यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा है। ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको www.lescomic.com है, वहाँ पर जाके इसकी इसका लिंक डाल दूंगा, आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहाँ पर जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज़,
इसके अंदर कुछ ज़्यादा बचाने बचा नहीं है, इसको अच्छे से हफ्ते में दो बार यूज़ करना है, स्क्रबिंग करना है ताकि डेड लेयर निकल जाए और गंदगी भी निकलती रहे और आपकी स्किन में शाइनिंग भी बरकरार रहे। अगर आपकी स्किन में डेड लेयर जमा रहेगी तो आपके फेस में शाइनिंग नहीं दिखेगी। तो प्लीज़ इसको गाइस यूज़ करिए और चमकते रहिए। और मेरे पास इंस्टाग्राम पर आके मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए ज़रूर, मैं वहाँ पर आपको आंसर करने में बहुत खुशी होगी मुझे आंसर करने में। और अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी किसी भी पिक्चर में जाके कमेंट कर दीजिए, मेरे को फटाक से दिख जाएगा और मैं आपको वहाँ पे जाके मैसेज का रिप्लाई जल्दी से कर दूँगा। बाय बाय।